सच के गुनु खतरनाक सी वीडियो के साथ वापस एंड वीडियो देखने से पहले भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, भाई कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता यार। अच्छा। भाई यार प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना, तो चलिए वीडियो को तरीके। सो चलो यार गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ आज तो यार छुट्टी मार ही दी है, मतलब मार क्या दी, हर डेली छुट्टी हो जाती है, मतलब छुट्टी नहीं यार बोले तो एंजॉय यार, लाइफ का एंजॉय समझो यार भाई, मन हो तो जाओ वरना नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि मैं वो बिजनेसमैन, मेरे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं गाइस, मैं सोते रुपए बनाता हूँ, समझ रहे हो ना, समझ क्या रहे आप लोग, देख ही पा रहे भाई मेरे पास फॉर्च्यूनर लेजेंडर है एंड उधर फोर्ड एंडीवर है भाई, सब मुझे फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं कारों में, और हाँ गाइस मुझे रोला भी चाहिए होता है, तो मैंने ये दोनों कारें खरीद रखी है, बट गाइस यार मैं सोच रहा हूँ मेरे पास SUVs हैं, बट कोई लग्जूरियस कार सुपर कार नहीं है, ये गड़बड़ है बाबा, बट वो तो सुपर कार नहीं है यार, कोई सुपर कार भी तो होनी चाहिए, मतलब लग्जूरियस तो है यार ये फोर्ड एंडीवर, तो चलो यार इसी बात पे हम चलते हैं अभी ये लैम्बोर्गिनी के शोरूम पर एंड अपनी एक लैम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं, हाँ गाइस को ये मत सोचना कि भाई साहब मैं ना बचपन से ही अमीर हूँ भाई यार, इतना हार्ड स्ट्रगल किया है जिंदगी में कोई सोच नहीं सकता। अच्छा चलो यार कोई बात नहीं, अगर सुनाने बैठ गया तो पूरी वीडियो निकल जाएगी, वैसे गाइस मैं भी आ चुका हूँ लैम्बोर्गिनी के शोरूम पर, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितनी सारी लैम्बोर्गिनीज खड़ी है डिफरेंट कलर की, तो चलो मैं यार एक लैम्बोर्गिनी खरीद लेता हूँ, एंड हाँ गाइस मैं कौन सी खरीदूं, लैम्बोर्गिनी क्या लैम्बोर्गिनी हुरैकन खरीदूं या फिर लैम्बोर्गिनी वैनेनो, पता नहीं मैं क्यों सोच रहा हूँ भाई, मेरे पास बहुत तो बहुत पैसा है यार, किसी भी खरीद लेता हूँ। so, चलो गाइस अभी हमने ना लैम्बोर्गिनी हुरैकन खरीद लिया है ना गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे अरे भाई तुम तो रुपए लाए नहीं थे, तुमने खरीदी कैसे, भाई यार जिसकी औकात शोरूम खरीदने की हो वो लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए रुपए नहीं लाता, बल्कि खुद रुपए लेने तुम्हारे घर पे आएंगे भाई लैम्बोर्गिनी वाले, समझो बात को समझो। अच्छा तो चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं भाई आपको बताऊं तो भाई इमोशनल हो जाता हूं भाई जब मैं कोई कार वगैरह खरीदता हूं, क्योंकि यार भाई कुछ साल पहले ना भाई मैं बिना सोचे समझे टावी भी नहीं लेता था, सोचता था कौन सी लूं, एंड आज मैं कार तो लैम्बोर्गिनी ले रहा हूं बिना सोचे समझे, पावर ऑफ मनी। तो चलो गाइस अभी मैं आपको इसके ब्रेक दिखाता हूं, यहां पर आप भाई रपका दी भाई पूरा गोल गोल घूम गई है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पलटी क्यों नहीं भाई, इतने मस्त तरीके से घूम गई, भाई सुपर कार है भाई। अच्छा। SUV थोड़ी ना। सो मडाक सेट के मैं भी आपको बताऊं तो गाइस मैं भी आज को अपनी कंपनी में, जी हाँ गाइस मेरी कंपनी है ये, एंड गाइस मेरी कंपनी में फोन्स बनते हैं, जी हाँ गाइस आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई हर एक नया बच्चा छोटा बच्चा फोन लेकर घूमता है, आपको तो पता है, तो भाई मैं फोन का ही बिजनेस करता हूँ, तो फटाक से अंदर चलते हैं देखते हैं क्या सिस्टम हो रहा है, लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो चलो यार गाइस अभी गाइस मैं अभी आपको बताऊं, तो आज ही मैं हॉलीडे भाई छुट्टी भाई, मैं नहीं जा रहा भाई काम पर उम पर भाई, तब आज छुट्टी हो गई यार दोस्तों, भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है छुट्टी पर, एंड गाइस आप लोग मेरे पास देख पा रहे भाई R15 एंड भाई एक फैक्ट बहुत बड़ा भाई, मैं इसमें पेट्रोल ही नहीं डरा पाता हूँ, मैं गरीब हूँ जी हाँ दोस्तों, नौकरी लगी थी रोले में मैंने ले ली यार, बट अब क्या भाई पेट्रोल नहीं डरा पा रहा, तो मैंने ये खरीद लिया पल्सर, इसमें पेट्रोल डरा लेता हूँ, ये थोड़ा बहुत अच्छा एवरेज दे देती है, चलो गाइस इसी को लेकर चलता हूँ कहीं टहलने, तो चलो यार कहीं चलते टहलने, एंड गाइस एक दो लड़की पटा लेंगे जी यार दोस्तों, मेरे को क्या भाई ओए ओए भाई ये क्या भाई साहब, ये कौन सी कार है भाई साहब, ओ माय गॉड भाई देखी नेकी देखी, ओ भाई ये कौन सी लैम्बोर्गिनी लग रही है भाई साहब, यार भाई कितनी महंगी कार होगी भाई, ये तो भाई मुझे एक दो जन्म लग जाएंगे खरीदने, मैं क्यों खरीदूंगा भाई, देख सकते हो जिसकी ये बिल्डिंग हो गई पक्का बता रहा हूँ उसी की होगी, क्योंकि उसी के सामने खड़ी है भाई, भाई यार भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, मैंने तो गरीबी में जन्म लिया यार भाई, ये काम भाई अमीरी में भाई, इसके पुश्तैनी पैसा होगा इसके पास सिट भाई, चलो यार कोई बात नहीं अपन लोग चलते हैं हटाओ, तो चलो यार किसी लड़की को पटा लेता हूँ यार, क्योंकि खाली वक्त रहता है, मैं कंपनी में काम करता हूँ तो वहाँ पर खाली रहता हूँ, तो बतिया लूंगा, मजा आता है बहुत ज्यादा बतियाने में जी हाँ दोस्तों, तो बतियाने में बहुत मजा आता है। हेलो मैम, हेलो जी भैया बताइए, मैम भैया ना खीजिए भैया, मैम मैं कहना चाहता हूँ आप बहुत क्यूट लग रही हो, आई लव यू, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा, ये अश्लील है ये लोटा, ए मैं आ जाऊं क्या अपनी पर, मैं आ जाऊं क्या, साले भिखारी कहीं के औकात देख ले पहले, अपनी पल्सर से चल रहा है, अगर मैंने अपनी जूती बेच दी ना तो तू तुझे से 50 आ जाएंगे, समझ रहा है ना भिखारी निकल यहां से औकात देख पहले, अरे मैम मैम गजब बेइज्जती कौन करता है यार, गजब बेइज्जती है
भाई मुझे दिल का पट जाएगी यार भाई, मैं मेहनत से रुपए कमाता हूँ यार, फिर भी देखो कितनी ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं, क्या इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। रुपए तो कम ही मिलते हैं भाई, 20,000 रुपए मिलते हैं महीने का, और मेहनत तो भूल करता हूँ यार, इतनी ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। जल्दी चलो जल्दी चलो भाई, देर हो गई यार। भाई यार भाई भाई अब तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा यार कंपनी में, यहाँ दोस्तों में कंपनी में काम करता हूँ जैसा कि आपको पता ही होगा यार। चलो भाई जब पल्सर से नहीं जाऊंगा यार, भाई मैं जाऊंगा अपनी R15 से, क्योंकि यार भाई मेरी कंपनी में एक लड़की काम करती है, उसको भाई पटाना यार, भाई मेरा ड्रीम है यार भाई, उसको मैं एक बार पटा लूं बस, उससे शादी कर लूंगा तुरंत, जस्ट नाउ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लेकिन एक सेकंड भाई, पेट्रोल बहुत खाती है यार भाई, पल्सर लेके जाऊं क्या? लेकिन पल्सर ले गया तो रोला नहीं कटेगा लड़की के सामने, एंड अगर R15 ले गया तो जेब से पैसा कट जाएगा, करूं क्या करूं क्या करूं क्या, अरे पता नहीं, बहुत सोचना पड़ रहा है यार। हट भाई अब मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, पल्सर होता हूँ यही पे, एंड R15 लेकर चलता हूँ। ली क्यों यार, जब ली है तो चलानी चाहिए, ठीक है अब मैं लेके चलता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो चलो यार गाइस, अभी मैं आज को कंपनी पे एंड गाइस देखता हूँ। ओबे भाई अभी ज्यादा लेट तो नहीं हुआ यार, यहाँ पर कार वाले लोग अभी आए नहीं, कार वाले लोग नहीं आए, एंड भाई वो वर्कर थोड़ी ना है यार, वो तो यहाँ के मैनेजर वगैरह है। तो चलो पटाख से चलते हैं, हम कंपनी के अंदर भाई काम करते भाई, अगर भाई गेट बंद हो गया तो आज की पगार तो हमारी गई। भाई जल्दी जल्दी से चलता हूँ भाई यार। चलो यार भाई देखो, अभी गेट पे ताला तो नहीं भरा यार, तो चलो अभी नहीं हुआ, चलते अंदर। अरे तू जा रही? गुड मॉर्निंग गाइस, सभी गाइस मैं अभी उठ चुका हूँ दोस्तों, एंड गाइस मैं अभी आपको बताऊँ तो कितना बज गया भाई, अरे 12 बज गया यार। चलो गाइस कुछ दिन मैं नौकरी थोड़ी ना करता हूँ भाई, मुझे टाइम से उठना पड़े भाई, मेरा जब मन चाहेगा तब मैं जाऊंगा, एक राउंड मार के आऊंगा, वो भी लैम्बोर्गिनी से। कहाँ का राउंड मारूंगा, अरे कंपनी आऊंगा अपनी जो मैंने खोल रखी है। तो चलो यार गाइस, अभी मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, एंड गाइस अभी कुछ टाइम है तो मैं चलता हूँ अपनी कंपनी पर, एंड गाइस वहाँ पर देखता हूँ अब की बार हम चलने वाले हैं अपनी कंपनी कौन सी, मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो फटाक से अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर चलते, क्योंकि गाइस लैम्बोर्गिनी न्यू खरीदी तो चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। अब तो मैं सोच रहा हूँ एक रोल्स रॉयस खरीद ली जाए यार, क्योंकि भाई पैसा बहुत है गाइस मेरे पास, उससे मेरा क्या फायदा, लोग कमाने की सोचते मैं खर्चने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि अरे भाई तुम इतने बड़े बिजनेस मैन हो, उतना पैसा कमाते हो तो पढ़े कितना तक हो? भाई मैं आपको बताऊँ 12वीं पास करी है बस, वो भी 12वीं में 2 बार फेल हो गया था। क्या बात करता है यार। हाँ गाइस मैंने 12वीं पास करके सीधा बिजनेस में घुस गया मैं, उसके बाद रिजल्ट आप लोग देख पा रहेंगे। तो चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई ये क्या हो गया यार, सेट भाई साहब यार पेड़ मुझसे टूट गया। जी हाँ गाइस यार बताओ यार, पेड़ मुझसे कैसे टूट सकता है यार। अरे भाई लैम्बोर्गिनी का कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो दूसरी भी खरीद सकता हूँ, पेड़ नहीं टूटना चाहिए, पेड़ तो सालों लग जाते उगने में यार। सेट अभी लो एक जंगल बनवाता हूँ साइड में। तो चलो गाइस अब मैं आज को अपनी दूसरी कंपनी यानी कि फैक्ट्री में, आप लोग देख पा रहे होंगे ये रही मेरी कार बनाने की फैक्ट्री। जी हाँ गाइस मैं भी आपको बताऊँ तो इस कंपनी में ना हमारी कार के इंजन बनते हैं। जी हाँ गाइस आपको तो पता होगा कि अगर आप रोड पर निकलते हो तो चारों तरफ आपको कार ही कार है, या बाइके बाइके है, या गाड़िया ही गाड़िया आपको दिखाती होंगी कोई सी हो, तो उससे आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा डिमांड होती है व्हीकल्स की। तो भाई साहब मैं व्हीकल्स के इंजन बनाता हूँ, मतलब बनवाता हूँ भाई, बनाता तो पहले था, बनाता नहीं पहले मैंने सीखा था, एंड फिर उसके बाद बनवाने लगा। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, एक बार राउंड मार लेते हैं, देखते हैं क्या क्या सिस्टम हो रखा है वहाँ पर, एंड गाइस पैसे वगैरह भी ले आता हूँ। okay. तो चलो यार गाइस मेरी भी छुट्टी हो चुकी है तो मैं घर पे चलता हूँ। जी हाँ गाइस यार मुझे ना बुखार आ गया था, प्लेटें कम हो गई मेरी यार, तो चलो गाइस अभी चलता हूँ घर पे, एंड गाइस थोड़ा सा रेट करूंगा, क्योंकि यार भाई मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ यार, इसलिए भाई बुखार आ गया मुझे यार, भाई प्लेटें कम हो गई यार, दिखाना पड़ेगा यार, उसका भी खर्चा हो जाएगा। भाई देखो यार लोगों के पास कितनी महंगी महंगी कार है यार, भाई मैं तो क्या ही बताऊँ, पूरा जिंदगी करिया हो गई है। सेकंड भाई वो क्या था, क्या भाई लैम्बोर्गिनी यहाँ भी वो खड़ी है भाई, ये देख सकते हो आप लोग भाई क्या लग रही है भाई, इसके कलर चेंजिंग देखो पहले भाई, मतलब ये किसकी लैम्बोर्गिनी है भाई, लगता है वो वहाँ पर लैम्बोर्गिनी वाला होगा, वो यही है यानी कि इसकी कंपनी है लैम्बोर्गिनी वाले की। अरे भाई भगवान मुझे क्यों ऐसा बना दिया, मैं भी ये लैम्बोर्गिनी चलाता, भगवान मुझे पे नहीं कृपा करी आपने, बताओ गद्दारी कर पे भगवान आपने मेरे साथ गद्दारी करी है, मैंने क्या आपका ले लिया था, मुझे गरीब बना दिया उसको अमीर बना दिया, वो लैम्बोर्गिनी पे डाल रहा है, मेरे पास R15 में डालने के पेट्रोल भी नहीं है, आप बताओ।
मुझे भी अमीर बना देते, आपका क्या हो जाता, इतने लोग में एक और अमीर बना देते। अच्छा चलो गाइस यार कोई बात नहीं यार भाई, पता नहीं क्यों मैं गरीब रह गया भाई, मुझे इसका जवाब ही नहीं पता भाई। मेहनत मैं भी करता हूँ, मेहनत वो भी करता होगा, बट उसकी मेहनत में ऐसा क्या छुपा है भाई, वो पूछते नहीं है मेरे भाई, ये तो पता चल गया मुझे। हाँ अच्छा सो चलो यार गाइस, अभी मैं लेकर आ चुका हूँ 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यार, मेरे कल का प्रॉफिट में लेकर गया था, मेरा एक क्लाइंट आया था मुझे देने घर पे ही, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट रात रात में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों गाइस मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि ये 1 करोड़ का प्रॉफिट ऐसे ही नहीं हो गया, कुछ टाइम पे मैं एक दिन में 100 रुपए भी नहीं कमा पाता था, और आज आप लोग देख पा रहे सोते सोते 1 करोड़ का प्रॉफिट। एंड हाँ गाइस, आप लोग सोच रहे होगे कि अरे भाई तुम कैसे गरीब से अमीर बने, मुझे भी बता दो, मुझे भी अमीर बनना है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। जिस दिन आपने ये ना कहकर कि उसको भगवान ने अमीर बनाया है और मुझे गरीब बनाया है, बल्कि ये कहो कि भाई वो अमीर बनाए तो भाई मैं भी बनूंगा, उस दिन आप लोग अमीर हो जाओगे गारंटी से। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। ठीक है चलो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर मोटिवेट हो गए हो तो कमेंट कर देना। एंड आप लोग क्या करना चाहोगे, नौकरी या फिर बिजनेस मैनिंग, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है तो चलिए मिलते हैं आपसे, को नुखा कर रहा है वापस, अब तक के लिए।